हेलो गाइस, वेलकम टू आकाश मकबूल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे अपने लिए एक मास्टर फाइल बना सकते हैं। मास्टर फाइल, जब आप एक बुक फॉर एग्जांपल लिख रहे हैं, उसमें 1500, 2000, 3000, 4000 पेजेस हैं, तो जब आप उसको एक फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में क्रिएट करेंगे, तो इसमें पेजेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपको जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा लोड होने में, और इस तरह आपका जो प्रोसेसिंग है वो भी बहुत स्लो हो जाएगी। तो इस काम से बचने के लिए हम मास्टर फाइल क्रिएट करते हैं, और उस फिर हम अपने जो बुक्स है उसको सेक्शन या चैप्टर वाइज उनको हम डिवाइड करके उनकी अलग अलग, हर चैप्टर की अलग अलग फाइल बना लेते हैं। तो उसमें हम हर चैप्टर की, जो चैप्टर होगा उसमें हम क्रिएट करेंगे या बुक लिखेंगे, और जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली हमारे मास्टर फाइल में आता जाएगा। इस तरह फिर हम मास्टर फाइल को सिर्फ प्रिंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास मास्टर फाइल है। इस तरह मैंने 3 फाइलें क्रिएट की हैं, चैप्टर 1, 2, 3। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, इज इक्वल टू RAND। सबसे पहले हम मास्टर फाइल को इससे आउटलाइन में लिंक कर लेते हैं, ठीक है। व्यू में आए, आउटलाइन, और यहाँ से शो डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर लें, ठीक है। आपका जो डॉक्यूमेंट जितने भी है उसको आप इंसर्ट कर लें, जिस तरह चैप्टर 1 को मैंने इंसर्ट किया, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 2 को इंसर्ट किया, इस तरह चैप्टर 3। तो ये तीनों चैप्टर मैंने इसमें इंसर्ट कर ली। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद हम अपनी मास्टर फाइल को क्लोज कर लेते हैं, और इसमें हम जो चैप्टर 1 है इसको हम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इसमें कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, हमारे पास कुछ टेक्स्ट आ गया है। इसको हम सेव करते हैं, और अब हम अपनी मास्टर फाइल को ओपन करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट जो है वो इसमें हमारे पास आ चुका है। तो ये देखें, ये हमारी मास्टर फाइल है। इसमें हमारे पास यहाँ पर 3 लिंक शो हो रहे हैं। तो आप इसका जो टेक्स्ट है उसको देखने के लिए व्यू में आए, व्यू में आने के बाद आप आउटलाइन में आए, और यहाँ से आप अपने एक्सपेंड सब डॉक्यूमेंट करें, तो आपको यहाँ पर फिर आउटलाइन को क्लोज करें तो वो टेक्स्ट आपको यहाँ पर शो होगा। इसी तरह मैं चैप्टर 2 में यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम 45 पैराग्राफ लेते हैं, इंटर, और इसमें फॉर एग्जांपल मैं फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, ताकि हमें पता चले कि जो हमारी चैप्टर 2 है, इसी तरह चैप्टर 3, ठीक है, चैप्टर 3 में मैं कुछ डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ। 355 पैराग्राफ हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है, कंट्रोल होम। अब इसको भी सेव कर लेते हैं, और इस तरह चैप्टर 2 को भी सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आप अपनी मास्टर फाइल में देखेंगे, ये डेटा जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये देखें, हमारे पास जितने भी डेटा है वो यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। उस तरह आप फॉर्मेटिंग वगैरह या जो भी न्यू डेटा ऐड करेंगे, तो वो हमारी मास्टर फाइल में ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ से जाता जाएगा। तो इस तरह आप एक मास्टर फाइल बना सकते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो डॉक्यूमेंट जब एक वर्ड की फाइल में लिखेंगे तो वो लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। इस तरह आप आकर उसको चैप्टर वाइज डिवाइड कर दे, तो आपके जो एक चैप्टर है इस फाइल में, जो चैप्टर 1 है, वो आप जल्दी से ओपन करके उसमें अपना डेटा ऐड कर सकते हैं, अपना आर्टिकल या बुक लिख सकते हैं। तो ये जो फाइल है, ये इतना पेजेस इसमें चूंकि कम होंगे, तो इस वजह से ये इतना लोड होने में टाइम नहीं लेगा, जबकि आपकी जो मास्टर फाइल है, डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे मास्टर फाइल में जाता जाएगा, ठीक है। अब इसको क्लोज करें। मैं क्लोज करके इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे इसमें हमारा जो
डेटा है वो ऑटोमेटिकली इसमें आता जाएगा। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब फिर आप इसको आउटलाइन में आए और इस अपने डेट को एक्सपेंड करें तो ये देखें यहाँ पर जो चेंजेस की थी वो यहाँ पर ऐड होगी। क्लोज करें और आप इसकी सेटिंग वगैरह करके इसको प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट ले सकते हैं।